हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ अब इसको भी आप एज एन एप्लीकेशन ले सकते हो एंड अगेन ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ हम डायरेक्टली यहाँ पर पहले दो चार्जेस लेंगे लेट एस एज्यूम कि मेरे पास यहाँ पर क्यू चार्ज है और एट अ डिस्टेंस आर एट अ डिस्टेंस आर मैं यहाँ पर और एक चार्ज ले रहा हूँ लेट इट बी क्यू लेट इट बी क्यू टू दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं अब यहां पर मैं बोल सकता हूं आराम से देखते जाओ बिक लॉ जो हमें है वो हमें सिंपली फोर्स देता है कि एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा अब यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे पास चार्ज Q1 है और मेरे पास चार्ज Q2 है इन दो के बीच का सेपरेशन R है मैं सिंपली Q2 चार्ज पर फोर्स इवेलुएट करने की कोशिश करूंगा आप यहां Q1 पे भी कर सकते हो बट फिलहाल के लिए मैं किस पे चार्ज इवेलुएट करूंगा मैं यहां पर सॉरी मैं किस पे फोर्स इवेलुएट करूंगा मैं यहां पर क्यू टू चार्ज पे फोर्स इवेलुएट करूंगा दैट मीन्स यहां पर आपका जो क्यू टू है ये फेस करेगा ना कोलंबिक रिपल्शन और वो कोलंबिक रिपल्शन जो है रिपल्सिव फोर्स जो आपके पास है वो मैं इस वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं और ये जो आपका यहां पे फोर्स होगा दिस इज फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू अच्छा यहां पर इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा मैं बोल सकता हूं कि इस क्यू टू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्यू टू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है नया कुछ भी नहीं है मैं रिपीट करता हूँ हमारे पास दो चार्जेस है q1 वन एंड क्यू टू यहाँ पर मैं q2 पे फोर्स निकालना चाहता हूँ रिपल्सिव फोर्स वही फोर्स तो कूलम्बिक फोर्स होगा ना अगर मैं उसका इक्वेशन किसी तरीके से निकाल सकूँ वही सिंपली कूलम्स लॉ बन जाएगा तो वही हमें सिंपली यहां पे डिराइव करना है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहां पे जो q2 पे फोर्स देखा वो तो q1 की वजह से होगा अच्छा यहां पर इस चार्ज q2 पे जो फोर्स होगा मैं बोल सकता हूं कि वो यहां पर q1 के फील्ड की वजह से होगा ऐसे हम बात कर सकते हैं ना वही मैंने लिखा है कि जो फोर्स आपके दूसरे चार्ज पे लग रहा है पहले चार्ज की वजह से इट विल बी इक्वल टू जो दूसरा चार्ज है उस पे आप फोर्स देख रहे हो तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखो मल्टीप्लाईड बाय ये जो चार्ज है ये किसके फील्ड में सबमर्ज है आप अज्यूम कर सकते हो ये q1 के फील्ड में सबमर्ज है

तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मैं गॉस थ्योरम से इवन इवन करूं यहां पे करूं मुझे फोर्स का वैल्यू मिलेगा ना वो फोर्स का वैल्यू रिजेंबल किससे करना चाहिए वो कूलम्स लॉ से रिजेंबल करना चाहिए तब आप बोल सकते हो कि हमने कूलम्स लॉ को डिराइव किया डिड्यूस किया फ्रॉम लॉ तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं देख लो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो जाएगा आप एज्यूम कर लो ये आपका पॉइंट भी है आप एज्यूम कर लो ये आपका पॉइंट पी है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालना है तो दो मिनट के लिए आप मान लो कि आपका चार्ज क्यू टू यहां पर प्रेजेंट नहीं है बस आपके पास एक पॉइंट पी है और पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवालुवेट करना चाहते हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके पास ई है मैं रिपीट करता हूं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके पास ई है अब देख लो करना क्या होता है आपको पहले ही पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज है और हमने सिमिट्री वाले टॉपिक में पढ़ा कि पॉइंट चार्ज का जो गौशियन सरफेस आप लेते हो वो सिंपली आप एक स्फीयर लेते हो और उस स्फीयर के सेंटर पर ही आप इसको रखते हो इस पॉइंट चार्ज को दैट मींस विद आर एज रेडियस आप एक स्फीयर ड्रा करना शुरू कर दो आप एक स्फीयर ड्रा करना स्टार्ट कर दो अब ये जो आपके पास मैंने स्फीयर यहां पर ड्रॉ किया ये आपके पास यहां पे पर स्फीयर है और गोशन स्फीयर के सेंटर पे आपका चार्ज कौन सा प्रेजेंट है चार्ज Q1 प्रेजेंट है अब इंपॉर्टेंट पार्ट अब चलो गॉस लॉ को यूज करना है ये तो पूरा स्फीयर है ना आपके पास अब गॉस लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू इंटीग्रल रादर क्लोज सरफेस इंटीग्रल इंटेग्रल ईक्टर डॉट डीएस वेक्टर और इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सलॉन नॉट बहुत आसान है बहुत ज्यादा आसान है अब फर्दर जरा यहां पर देख लो मैं इसको लिख सकता हूं और मैं यहां पे लिख सकता हूं और इसको इंटीग्रल को अगर सॉल्व करें थोड़ा सा आप लिख सकते हो इट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ये आपका ई e आएगा डी एस आएगा और उसके बाद आपके पास कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा ये थीटा अब हमें यहां पे पता है क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करूं आपके पास चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रेडियली आउटवर्ड और आपके गोशन पर जितने भी एरिया वेक्टर्स होते हैं वो भी होते हैं रेडियली आउटवर्ड आप बोल सकते हो कि जितना भी फील्ड यहां पे रेडियली आउटवर्ड आ रहा होगा और जो आपके एरिया वेक्टर्स हर एक पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड आ रहे होंगे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा क्यों

जगह पर मैं ई वन लिख सकता हूं ना कोई इश्यू होना नहीं चाहिए तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वन लिख सकता हूं मैं राधर हर एक पे E1 कर सकता हूं मैं हर एक जगह पर ई वन कर सकता हूं तो फर्दर मैं बोल सकता हूं देयर फोर आपके जो ई वन का वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन डिवाइडेड बाय आर एक बार और देख लो यहां पर फोर में जाएगा तो फोर पा एप्सलॉन में आपको दिख रहा है स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में में दिख रहा है न्यूमरेटर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मिल गया लेट दिस बी इक्वेशन टू लेट दिस बी इक्वेशन वन अब करना कुछ नहीं है आपको इक्वेशन टू को क्योंकि ई वन का वैल्यू मिल गया इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट कर लो तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो फोर्स आपके दूसरे चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इट इज इक्वल टू Q2 टू टाइम्स अच्छा यहां पर आपके पास ई वन का वैल्यून बाईस नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इट इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर एंड दिस इज योर कूलम्स लॉ दैट मीन्स हमने कूलम्स लॉ का इक्वेशन जो है वो डिड्यूस किया

कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं आप देख सकते हो कि यहां पर इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और इसी डायरेक्शन में तो फोर्स भी है ना इसी डायरेक्शन में फोर्स भी है दैट मींस मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आप फोर्स को एज अ वेक्टर लिख सकते हो और यहां पर मैं लिख सकता हूं एज आर कैप स मैं इसी इक्वेशन को वैक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं यह आर कैप का मतलब क्या होगा कि आपका जो एग्जैक्टली exactly फोर्स का डायरेक्शन है वह यहां पर इस चार्ज पार्टिकल पे सम वेडली आउटवर्ड है अगर मैं आर कैप दिखाने की कोशिश करूं आर कैप यहां पर यह होगा ये आपका आर कैप होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि आपका फोर्स लग रहा है और यही फोर्स आपका दूसरे पार्टिकल पर लग रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो आज की वीडियो में इतना काफी इस वीडियो के अच्छे से नोट्स लो और इसको प्रिपेयर करना बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए इतना काफी टेक केयर